अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं हड्डी गुड्डी की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमें चाहिए हड्डी गुड्डी, 1 kg हड्डी गुड्डी है। उसके लिए चाहिए हमें प्याज, लहसुन, ये मैंने पोटी बना ली है, उसके अंदर सौंफ है और खड़ा धनिया है, साबुत धनिया जिसे कहते हैं, सौंफ और साबुत धनिया की पोटी बना ली है। और ये जो है हमारी हल्दी है और इसमें सारा गरम मसाला है, इसमें खड़ा इसमें ज़ीरा है और काली मिर्च है, लौंगे हैं, दालचीनी है और ये लीफ है। और इसके बाद हमें चाहिए नमक, ठीक है। और हमें प्रेशर कुकर लेना है, इसके अंदर हमें पानी ऐड करना है हड्डी गुड्डी के हिसाब से, फिर हम आपको करके बताते हैं। ये हमने पानी ले लिया है, इसके अंदर हमारी ये सारी हड्डी गुड्डी जो है अंदर हम इसके अंदर डाल देंगे एहतियात से, और उसके बाद हम बाकी मसाले आपको डाल के दिखाते हैं। ये देखिए हमने सारे मसाले इसके अंदर सारी हड्डी गुड्डी इसके अंदर हमने डाल दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता के जो जो हमने चीज़ें बताई थी वो सारी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मसाला, हल्दी पाउडर, ये लहसुन, और ये जो हमने पोटली बनाई थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो है उसके बाद हम इसको प्रेशर कर देंगे और इसको तकरीबन इसको अच्छा प्रेशर देने के लिए हमें इसको 20 से 15 मिनट पकाना है, फिर हम आपको खोल के इसकी यखनी दिखाते हैं। हमारी यखनी अभी थोड़ा सा उसमें टाइम है, वो अच्छे से हो रही है, तो बाकी प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए प्याज, 2 बड़ी प्याज, और उसको चॉप कर लेना है, और उसके साथ चाहिए दही। जब ये प्याज हमारी लाल हो जाएगी ऑयल में तो फिर हम उसको दही के साथ जो है उसको ब्लेंड करेंगे। अभी हम अपनी प्याज को जो है हम हमारी पत्ती में ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और उसके बाद हम इसको डाल करके आपको दिखाते हैं। पत्ती में हमारी प्याज लाल हो गई है, बहुत अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, तो रेड कलर का रखना है, जैसे लाल कलर से मेरी जैसे हो जाती है वैसे रखना है, क्योंकि अगर जैसे डार्क कलर हो जाएगा तो फिर हमारा जो हड्डी वड्डी का जो सालन का जो कलर है वो भी डार्क हो जाएगा, जैसे प्याज का कलर होगा वैसे हमारे सालन का कलर आएगा। तो अभी हम इसको अच्छे से लाल कर लेते हैं, फिर बाकी का प्रोसेस आपको बताते हैं। देखिए हमारे प्याज लाल हो चुके हैं, इसको इतना ही लाल करना है, इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, और उसके साथ ये दही के अंदर दही के साथ ब्लेंड हो जाएगी। और अभी के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च और धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो अभी हम पहले दही को प्याज के साथ ब्लेंड कर देते हैं, फिर दिखाते हैं। हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हमें सबसे पहले डालना है प्याज।
और उसके अंदर डाल दें। हमारी अपनी इसके अंदर चली जाएगी। यहाँ पर आपको यकीन डालते हैं, मैंने अपना स्ट्रेनर रख दिया है, इसके अंदर हमारी यकीन जाएगी। यकीन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कितनी जानी चाहिए कितनी नहीं। आप देख रहे हैं हमारा हड्डी भरपूर का कलर बहुत खूबसूरत आया है और चटनी भी बहुत यकीन लग रही है। अब तकरीबन अब ये थोड़ा सा मसाला जो है इसके साथ 15 मिनट्स के लिए हम इसको दम पे रखेंगे ताकि ये और मज़ेदार यकजान हो जाए। ये हमारे हड्डी गुड्डी का सालन तैयार हो चुका है और उसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। इसके साथ ये धनिया है, मिर्चें हैं, लेमन है और अदरक है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।